यंत्र की जो लैब हुई है वो सारी मतलब हर चीज़ डिफाइंड है, सारी चीज़ें कि इस टाइम पे ये सबमिट करना है, इस टाइम पे ये सबमिट करना है, तो हमें मतलब पूरा हर चीज़ एकदम एक्यूरेटली पता थी, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से हमें मतलब उस टाइम पे इतने सिस्टमेटिक चीज़ें नहीं हुआ करती थी, तो मुझे सारी चीज़ें सीखने को मिली है। टेक्निकल ऐसी कि आई एम फ्रॉम सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड, तो सॉफ्टवेयर चीज़ें मेरे को आती है काफ़ी, पर हार्डवेयर भी हमने यूज़ करा है काफ़ी, तो वो भी मैंने काफ़ी सीखा है। अब दोनों को मिलाया है तो प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा, तो ऐसे कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं आप। सबसे ज़्यादा मज़ा उसमें ही आता है जो रियल लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करना, जो आपको लैंग्वेजेस आती हैं उनको और सीखना, नई चीज़ें सीखना, उनसे कोई नई चीज़ें डेवलप करना, खुद के लॉजिक्स बिल्ड करना, उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। EYC जैसे कॉम्पिटिशन जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये डेवलपमेंट के लिए बहुत मौके देते हैं और टूल्स और ये सब भी प्रोवाइड करते हैं, सोर्सेज भी रिसोर्सेज भी बहुत मदद मिलती है और मेंटर्स रहते हैं, टीम रहती है, टीम मैनेजमेंट सीखने को मिलता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। यंत्र से मुझे एक ऐसा एक्सपोजर मिला है, स्किल सेट सारी मेरे पास अधूरी थी, या तो मैंने सिर्फ नाम सुना हुआ था या फिर ऐसा होता है देखा हुआ था। मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रोमांचक लगती थी कि अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, बट अनटिल एंड अनलेस आपको एक प्रोजेक्ट नहीं मिलता या आपको एक करने के लिए टास्क नहीं मिलता तब तक आप नहीं करते हो। और टास्क कर लेने के बाद भी अगर उस स्किल सेट को आपको कहीं पर शोकेस करने को मिले, सो वी फील प्रिविलेज्ड अबाउट इट। दिस ELSI लैब इस फील्स लाइक अ होम फार अवे फ्रॉम होम। अदर देन लर्निंग प्रोसेस आई ईट माई लंच हियर, आई टॉक अबाउट टेक्निकल आस्पेक्ट्स विद माई फ्रेंड हियर, एंड मोर ओवर द मोस्ट सपोर्टिंग फैकल्टीज आर ऑल्सो हियर ऑलवेज। जब हम एक प्रोजेक्ट बनाने की बात करते हैं तब हम कुछ सीख रहे होते हैं। कई बार होता है कि हम कंपोनेंट्स को टेस्टिंग फेज में ख़राब कर देते हैं, तब हो सकता है एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है कि नहीं अब बस बहुत पैसे वेस्ट कर लिए, बहुत ये कर लिए। तब ELSI लैब ही हमारी एक सपोर्टिंग पुश था, एक बैकग्राउंड पुश था जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। अगर वो नहीं होता तो आई वोंट बी स्टैंडिंग हियर। सारी टेक्नोलॉजीज ऐसे कहने को तो नेट पर अवेलेबल है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमको ELSI लैब में ही सीखने को मिला। हमने काफ़ी सारे आपके कोर्सेज देखे हैं, काफ़ी सारे आपके असाइनमेंट्स कंप्लीट किए हैं, उसका इम्पैक्ट आज मुझे मिल रहा है। बिकॉज आई एम अ पर्सन हु इज़ एन इंट्रोवर्ट, मैं इतना खुल के बोल रहा हूँ विदाउट स्क्रिप्ट, इट्स एक्चुअली माय अचीवमेंट। जो चीज़ हमने ओवरकम की उसके बाद में एक जो कॉन्फिडेंस आया, द कॉन्फिडेंस दैट यस वी कैन डू इट, वी कैन लर्न इट, यस वी आर गोइंग इन अ राइट ट्रैक। इफ सम फाउंडेशन लाइक यंत्र इज सपोर्टिंग अस सेल्फलेसली, सो वी फील वेरी सेटिस्फाइड कि हाँ हमने जो सीखा, मैंने जो BTech मतलब बैचलर इन टेक्नोलॉजी किया, उसका लिटरली कुछ मीनिंग निकलेगा जब वो एक पर्सन को की लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करेगा, पर्सन एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। टेक्नोलॉजी तो आ जाएगी वक्त के साथ, बट इम्प्लीमेंटेशन इज मस्ट, एंड इम्प्लीमेंटेशन कम्स विथ एक्सपीरियंस। हु गिव्स एक्सपीरियंस? यंत्रा।